अब मैं बहुत जल्दी में हमारे दूसरे मेहमान जो देश के हुकूमत में इकलौते मुस्लिम सांसद चौधरी महबूब अली कैसर साहब के सेक्रेटरी आए हुए हैं, चौधरी साहब को मैंने दावत दिया था, किसी माजरत की वजह से सर नहीं आ पाए, उन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा है और वादा किया है कि बवाना वालों का जो 17 साल से सपना है उस सपने को पूरा करने में सरकार से हम पूरी मदद करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे और आपके उस सपने को साकार करवाएंगे इंशाल्लाह। चौधरी महबूब अली कैसर साहब जो हुकूमत के इकलौते मुस्लिम सांसद हैं, उनके नुमाइंदा मिस्टर पुनीत कुमार जी आएंगे और आपके सामने रूबरू होंगे। सर से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारा वक्त जो था वो 8 से 9 के बीच का था, लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, तो मुख्तसर में माहौल को देखते हुए अपनी बात को रखें। क्या कहने, सभी भाइयों को सलाम वालेकुम। चौधरी महबूब अली कैसर जी जो आपके हज कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, अब फिलहाल नहीं है, उन्होंने आप सभी के लिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सर इंडिया से बाहर हैं, इस वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत रहमत जी, बहुत बहुत सभी मौलानाओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और रही बात बवाना क्षेत्र के लोगों की, तो यहाँ पे रहमत जी हैं, रहमत जी हमेशा मेरे से और एमपी साहब के द्वारा हम लोगों की मदद करते रहते हैं, और मैं ये एमपी साहब की तरफ से आश्वासन करता हूँ सभी को कि आगे भी हम लोग बवाना क्षेत्र और सभी देश के लोगों की मदद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत अच्छा।